संजीव, आप जहां खड़े हैं, हालांकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सूरत में अच्छा खासा प्रभाव आम आदमी पार्टी का है। क्या लग रहा है, कितना प्रभाव और कितनी टफ फाइट यहां से इस बार होगी? सूरत पता लग जाएगी, और सूरत अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया। सुबह का इस वक्त नजारा जरा देख लीजिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं लेकिन आपको हम दिखाएं। सबसे पहले ये सामने जो आप बूथ देख रही हैं, कुमरिया ग्राम, ये बूथ है और बारदौली विधानसभा। यहाँ पर सूरत में आपको बताते चले कि 16 विधानसभाएं हैं और शहर में आसपास 12 विधानसभाएं, सूरत में कुल 16। और यहाँ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत मिलती रही है, बावजूद उसके कि पिछली दफा थोड़ी मुश्किल आई थी, लेकिन सूरत शहर ने जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। 16 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी। गुजरात की कहानी में ये बात सामने आती है कि 4 शहर ऐसे हैं जिन पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उसकी जीत करीब करीब तय हो जाती है, और उसमें पहला शहर राजकोट, जहां पहुंचने वाले हैं राजीव, दूसरा ये सूरत का शहर कहते हैं, और इसके अलावा वडोदरा और अहमदाबाद। तो मैं इस वक्त सूरत में हूं, और सूरत इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिद्वंदी कौन है, चुनौती कौन दे रहा है, चैलेंजर कौन है, इस ओर सबों की निगाहें हैं। पिछली दफा कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उसका नतीजा ये हुआ कि दहाई के आंकड़े में ही कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रह गई थी, लेकिन इस बार चैलेंजर के तौर पर यहां अगर आप जमीन पर घूमिए तो आप पाएंगे कि आम आदमी पार्टी का नाम ज्यादा लिया जा रहा है, और खास तौर पर सूरत में, क्योंकि 2021 में जब चुनाव हुए थे, यहां म्युनिसिपल चुनाव हुए थे, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को जबरदस्त बढ़त मिली थी। ये पूरी कहानी हम आपको दिन भर बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत की यही तस्वीर कि सुबह यहाँ मेरे पीछे लोग बाग पहुंचने शुरू हो गए हैं, घंटे भर बाद मतदान शुरू होना है, लेकिन देख रहा हूँ मैं कि लोग बहुत आगे हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश भाई। आप तो देख रहा हूँ मैं सुबह सुबह नहा कर चंदन टीका करके पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सर पहुंचे हैं। लगता है कि वो अपने नेताओं की बात आप मानते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, सबसे पहला वोट हमारा ही हो जाए बस, इसलिए 8 बजे चालू होने वाला है तो वोट देने के लिए आए। कहाँ रहते हैं? आसपास कुमारिया में रहता हूँ। तो क्या सब लोगों को बता दिया है घर में कि आप भी तैयार हुई है? नहीं, सब लोग तैयार है, बस 8 बजे चालू होते ही सब लोग आ जाएंगे। अभी आज जल्दी उठ गए क्या? हाँ साहब, जल्दी उठ गए इस मतदान के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक भाई। हाँ। तो सबसे पहले चले जाएंगे अंदर वोट देने के लिए। इधर भी दिखाई पड़ा, आप सब लोग सबसे पहले आज सब तैयार हो गए मतदान के लिए? तैयार देख रहा हूँ, नहा वहाँ के आए, नहा वहाँ के जल्दी उठ गए। आज तो मतदान करना है, मोदी जी को लाना है तो मतदान करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ का नजारा है, इन सब लोगों से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल सूरत से इतना ही कि आप ये देख लें कि सूरत हमेशा से अगर 16 सीटों पर 14 सीटें 2012 में भारतीय जनता पार्टी को, 2017 में 16 सीटों में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार क्या नजारा रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त जोर यही सूरत में हाल के दिनों में लगाया है। दोनों की कई सभाएं, रोड शो सब इसी शहर में हुए हैं, और ऐसे में यहां के नतीजे को देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा, दक्षिण गुजरात का इलाका और उसमें से सूरत बहुत अहम है। ये 35 सीटें भी निर्णायक रहती है हमेशा। मैं आऊंगी दोबारा सीधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।